Hello, everyone, you are welcome to Best Notes tutorials, and today we will be talking about Alfred George Gardner, or in short, it is also written A.Z. Gardiner. Alright, so first of all, we will be looking at the life of A.Z. Gardner. Later, we will be talking about his works, and finally, we will be talking about his quotations because these are important. अबाउट एजी एजी गार्डिनर यू विल बी टॉकिंग आवर फर्स्ट लाइफ सबसे पहले हम लाइफ के बारे में बात करेंगे उनकी और सारे वर्कस के नेम आपको याद रखने क्योंकि जैसा मैंने कल आपको जो प्रीवियस ईयर का आपको पेपर दिखाया था उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई थी अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं उसे कंप्लीट देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी इसमें एक चीज़ जो है एजी गार्डिनर के बारे में वैसे तो सभी राइटर्स के बारे में कि जितने आप वर्कस जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको थर्टी टू थर्टी फाइव आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली exactly यही देखने को मिलेंगे कि ये वर्कस किसका है कब पब्लिश हुआ है और इसका बैकग्राउंड क्या था कि ये वर्क क्यों लिखा गया राइट right, तो चलिए शुरू करते हैं तो लास्ट का लास्ट तक देखिए क्योंकि उसमें आपको कोटेशंस एजी जी गार्डनर की कुछ कोटेशंस इंपॉर्टेंट कोटेशन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी और जो नेम्स हैं आपको लगेगा कि काफ़ी लंबा हो रहा है पढ़ते हुए लेकिन आप लोग एक बार सुनेंगे तो रिलेट कर पाएंगे एजी गार्डनर के वर्क्स को अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर ही वॉज बॉर्न ऑन एटी सेकेंड जून 1865 1865 में उनका जन्म हुआ था 46 1946 तक हो रहे मीन्स मॉडर्न पीरियड तक एंड वॉज Was an English, uh, and वो एज एन इंग्लिश जर्नलिस्ट एडिटर एंड ऑथर वो जर्नलिस्ट भी थे एडिटर भी थे ऑथर भी थे और जब वो ऐसे हैं तो ये सारे काम एक ऑबियस सी बात हो जाती है हिज इज़ अंडर एलियस अल्फा ऑफ द्लो जो एजी गार्डनर थे उनका जो सब uh, टाइटल है हम कह सकते हैं पेन नेम है तो वो आपका है अल्फाइ ऑफ दी प्लो ये पिछली बार भी पूछा गया था अब ये थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अल्फा है उसका यू नो अल्फा किसे कहते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो उन्होंने बनाना ही है ओके okay, तो ये चीजें आप लोगों को अभी थोड़ी देर में पता चल जाएंगी कि ये अल्फा क्या है ओके okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेम अल्फा ऑफ द प्लो ये उनका पेन नेम है पेन नेम के आप लोग एक अलग सी लिस्ट बना लीजिए जिनके पास नोट्स हैं उन लोगों के पास ऑलरेडी कुछ पेन नेम्स ऑलरेडी होंगे ही वॉज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग तो ये आपको याद रखना है एंड नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग एंड एडवोकेसी ग्रुप विच कैंपेन फॉर द मिनिमम वेजेस इन दी इंडस्ट्री तो ये इससे जुड़े हुए थे कि ये जो नेशनल एंटी स्वेटिंग लीग है ये क्या करता था ये इस इसने कैम्पेन किया था कि एक मिनिमम वेज होना चाहिए हर इंडस्ट्री में मीन्स जो दिहाड़ी होती है वो मिनिमम होनी चाहिए इससे कम नहीं मिलनी चाहिए जैसे कि आज भी आप देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें कि आठ घंटे से ज़्यादा किसी का वर्क नहीं करवाया जाना चाहिए और जो गवर्नमेंट के हैं कि टू हंड्रेड जो है पर डे मिलनी ही चाहिए फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टीन ही कंट्रीब्यूटेड टू दिखा था स्टार मीन्स देर वॉज कैन से डेली पब्लिकेशन और काइंड ऑफ जर्नल्स रोट सो so, आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से बनता है क्वेश्चन बनता है कि रिलेटेड कौन से कौन से राइटर है उन्होंने प्लो जैसा हमने पीछे देखा तो हम उसे सूडोनिम्स बोल सकते हैं या हम उन्हें पेन नेम्स बोल सकते हैं At the time, the star had whose pseudonyms were names of stars. तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो अल्फा है वो किसके लिए यूज किया गया है आ, स्टार के लिए यूज किया गया है इनवाइटेड टू चूज द नेम ऑफ द स्टार दूडन तो जो आ, अल्फा है वो भी एक स्टार का नाम है तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो एसेस्ट होते थे जो लिखा करते थे उनको बुलाया जाता था उनको कहा जाता था कि आप अपना एक सूडोनीम चूज कीजिए लेकिन वो सूडोनीम किस में होता था स्टार पर डिपेंड करता था किसी स्टार का नाम होना चाहिए सो ही चूज द नेम ऑफ द ब्राइटेस्ट तो जो अल्फ़ा है वो एक ब्राइटेस्ट स्टार था इसलिए और जो कॉन्स्टलेशन था तो वो था प्लो तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है अल्फा ऑफ द प्लो तो अल्फ़ा तो हो गया आपका स्टार ऑल राइट आपको ध्यान रखना है कि ये हो गया आपका स्टार और जो प्लो है ये क्या है आपका कॉन्स्टलेशन है कॉन्स्टलेशन अगर आप लोगों को नहीं पता तो कॉन्स्टलेशन मीन्स होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स राइट सो ग्रुप ऑफ स्टार्स है आपका कॉन्स्टलेशन हिज एसेज आर यूनिफॉर्मली एलिगेंट ग्रेसफुल एंड ह्यूमरस उनके जो एसेज हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो काफ़ी एलिगेंट है बहुत अच्छे से ग्रेसफुल हैं और ह्यूमरस भी हैं और ऐसेज अगर ह्यूमरस हो तो ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में हिज़ यूनिकनेस ले इन एबिलिटी टू टीच द बेसिक ट्रूथ ऑफ़ लाइफ इन इजी एंड अम्यूज़िंग मैनर्स उन्होंने जो अगर हम उनकी यूनिकनेस की बात करें तो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही बेसिक ट्रूथ ऑफ़ लाइफ जो हैं वो बहुत ही अम्यूजिंग तरीके से बता पाते हैं द कलेक्शन पिलर ऑफ सोसाइटी ये सबसे इम्पोर्टेंट उनका वर्क है इनके बारे में हम अभी बाद में बात करने वाले हैं पिलर्स ऑफ सोसाइटी पेबल्स ऑन द शोर एंड मैनी फरोज एंड लीव्स इन विंड आर सम ऑफ बेस्ट नोन वर्क इन्हीं में से कोई एक पूछा जाता है यूजली बहुत सारे एग्जाम में बाकी तो बहुत सारे उन्होंने ऐसेज लिखे हैं लेकिन एटलीस्ट अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं तो आप लोग इन चार को तो जरूर याद कीजिए और राइटर के साथ में अल्फा द्लो के साथ में एजी के साथ में इनको जरूर याद कर लीजिए और राइट तो चलिए पूरे उनके वर्क देख लेते हैं रिव्यू ऑफ पेबल्स ऑन द शोर सेट गार्डनर रूड द फ्लुएंसी डेफनेस राइटनेस ग्रेस एंड यूजली अ वेरी रियल स्पार्कलर जो पेबल्स ऑफ ऑन द शोर पे एक रिव्यूअर ने लिखा था कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस वर्क को लिखा हुआ है फ्लुएंसी डेफिनेटनेस लाइटनेस ग्रेस एंड यूजुअली अ वेरी रियल स्पार्कल वी कैन सी देयर द एंड ऑफ द एसे द वेनिटी ऑफ ओल्ड एज इज टिपिकली नीट तो उन्होंने जो एक कोटेशन के साथ में से एंड किया था तो हमें एग्जाम परपस से इसे याद रखना है द ऑफ ओल्ड एज जो है वो एंड होता है फॉर नेचर इज कनिंग नर्स इसके साथ में इस सेंटेंस uh, के साथ में उनका ये ऐसे खत्म uh, होता है शी गिव्स अस लॉलीपॉप ऑल द वे एंड व्हेन द लॉलीपॉप ऑफ होप एंड लॉलीपॉप ऑफ अचीवमेंट आर डन शी जेंटली इंसर्ट इन आर टूथलेस जम्प्स द लॉलीपॉप टू रिमेंस एंड विद दैट प्लेजेंट वेनिटी वी आर सूट्स टू स्लीप सो दिस इज दाइंस ऑफ दैनिटी ऑफ सम ऑफ द बुक्स आर प्रॉफिट्स प्रीट्स एंड किंग्स पिलर्स ऑफ सोसाइटी इम्पोर्टेंट वर्क विच इज आस्ट दॉर्ड्स पैबल ऑफ द श्योर राइटिंग एज अल्फा ऑफ द प्लो ये इनका नाम था अगर आपको कहीं पर एजी गार्डनियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है पूछा जाता है कि किसी वर्क में उन्होंने कौन से नाम से किया था तो अल्फा ऑफ द प्लो ऑब्वियस आंसर होना चाहिए नाइन्टी नाइन परसेंट टू अल्फा ऑफ द प्लो ही आंसर होगा लेटे एडिशन रिलीज इन दिस वॉज इलिस्ट्रेटेड बाई रॉली ब्लॉक लीव दिस विंडफ फॉल उनका अलग आ, दूसरा वर्क है जो कि उन्होंने अल्फा ऑफ द प्लो के नाम से लिखा था लीव्स इन द विंड ये सारे उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिनके आगे, आगे आप अल्फ़ा ऑफ द प्लो देख रहे हैं उनका पब्लिकेशन डेट भी आप याद कर लीजिए पिलर ऑफ दिस सोसाइटी के और पेबल्स ऑन दोर ये सारे आपको क्या करने हैं आपको याद रखने हैं कि आप देख सकते हैं कि थर्टीन पिलर थे वहां पे ठीक है इस तरह से आप याद कर लीजिए थर्टीन पिलर्स ओके okay? यहाँ पे है पेबल्स कितने सिक्सटीन पेबल्स तो पेबल्स हो मीनस होता है पत्थर जो छोटे छोटे पत्थर मुलायम से पत्थर नदियों में मिलते हैं उन्हें पेबल्स कहते हैं तो सिक्सटीन पेबल्स थे थर्टीन क्या थे पिलर्स uh, थे तो आप इस तरह से अगर इसको शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो सिंपली थर्टीन पिलर्स के ऊपर कितने सिक्सटीन uh, क्या रखे हुए थे पेबल्स रखे हुए थे एजी गार्डनर ने इस तरह से याद कर लीजिए विंड फॉल्स और जो विंड है वो इनके ऊपर फॉल फॉल होती है इस तरह से आप कर लीजिए द विंड ये जो है ट्वेंटी <coughs> एंग्लो अमेरिकन फ्यूचर नेक्स्ट उनका ऐसे है वट आई सॉ इन जर्मनी लेटर्स फ्रॉम जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया लाइफ ऑफ जॉर्ज कैडब्री लाइफ ऑफ सर विलियम हार्कोट हार्कोर्ट अल्फा ऑफ़ द प्लो ये भी उन्होंने अल्फा ऑफ द प्लो नेम के अंडर लिखा था जॉन बेन एंड प्रोग्रेसिव मूवमेंट इन नाइनटीन टीफ पोर्ट्रेट एंड पोर्टेंट इन नाइनटीन टी सिक्स सर्टेन पीपल ऑफ़ इम्पोर्टेंस एज अल्फा ऑफ द प्लो इन नाइनटीन टवेंटी नाइन नाउ लेट सी सम अदर नोट्स दिस कलेक्शन ऑफ एस वर्ल्ड रिपब्लिश एज वे फेयर लाइब्रेरी यहाँ पर यह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसको आपको याद रखना है वे फेयर लाइब्रेरी तो उनका जो भी कलेक्शन ऑफ वर्क पब्लिश होते थे वे फेयर लाइब्रेरी Uh, उनको रिपब्लिश करती थी या पब्लिश करती थी वर रिटर्न ड्यूरिंग द वॉर एंड फर्स्ट अपियर इन द बुक फॉर्म ड्यूरिंग द वॉर और जो जैसा हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सेकेंड के टाइम पर भी होते तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही ये पब्लिश हुई थी तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो कलेक्शन ऑफ एसेज हुआ था वो किस टाइम पर हुआ था लाइक द प्रोसीडिंग वॉल्यूम पेबल्स ऑन दिस शोर ये भी क्या थी आपकी जो कि पिछली वॉल्यूम थे उन्हीं की तरह है. uh, they were the literary diversion of a time of great public anxiety and heavy personal task ये आप लोग देख सकते हैं कि जो अगर uh, जो भी बेस्ट वर्क लिखा जाएगा मॉडर्न एज के टाइम पर उसमें आपको ये वर्ड्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे ओके हैवी पर्सनल टास्क एंड एंगजाइटी एंड डिस्यूजमेंट ये सारी चीज़ें आप लोगों वहाँ पे देखने को मिलेंगी नहीं पता आपको अगर मॉडर्न एज के बारे में बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता है तो आप एक बार मॉडर्न एज वाली वीडियो जरूर कंप्लीट देखिए आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी हिंदी में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है उसे दाइटिंग Of them was a happy destruction and unhappy things, uh, from unhappy things. So writing uh, writing of them was happy destruction from unhappy things. And now that the great wind has passed, it is a ple pleasure to find the leaves it blew down gathered between and comp uh, companionable covers of the wayfarer. I leave them as they fell. पेबल ऑन दी शोर ये जो वर्क है उनका उसके अंडर में उन्होंने काफ़ी सारी वर्कस लिखे हैं तो आप देख सकते हैं और फैलो ट्रेवलर उनका ऐसे है अब मैंने जब आपको कहा कि ये सारे जो नाम हैं कम से कम इनको पंद्रह बीस बार पढ़ लीजिए और एज गार्डनर के साथ में रिलेट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि इन्हीं से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि जहाँ से हमें टफ लगता है जैसे अगर टू हंड्रेड क्वेश्चन है तो टू हंड्रेड में से आप ये मान के चलिए कि फोर्टी uh, तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सभी करके आएंगे फिर फोर्टी uh, क्वेश्चन थोड़े से और हाई लेवल के होंगे फिर फोर्टी क्वेश्चन थोड़े हाई जो लास्ट के आपके फोर्टी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो थोड़े से बहुत इनडेप्थ पूछे जाते हैं अंदर से पूछे जाते हैं तो जो उन फोर्टी क्वेश्चनस को कर पाता है उसी का सेलेक्शन हो जाता है जैसे आप कॉम्पटिशन uh, में अगर आपको बने रहना है तो आपको वो वाले फोर्टी क्वेश्चन टारगेट करके चलने चाहिए और बाकी चीज़ें तो आपको आपको याद हो ही जाएंगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सारे जो नेम्स हैं ज्यादा से ज्यादा याद करने की कोशिश करनी है अ फेलो ट्रेवलर फेमस अ पॉकेट थिंग, कंट्री प्लेटफॉर्म डिस्टेंट व्यू ऑफ पेग डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस ऑन शाइनी नाइट अब यहाँ से देखिए आपको एक पिक्चर सी बनती हो बन रही होगी मेरा जो तरीका है मैं इसी तरीके से याद करता हूँ जैसे मैंने कहा कि पिक्चर एक पिक्चर बना लूँगा जैसे मुझे लगा कि यहाँ से स्टार्ट मुझे मुझे यहाँ से स्टार्ट मिलेगा एक फेलो ट्रैवलर है ठीक है अब आप देखिए ये ये स्टार्स हैं ओके नाइट है अभी ओके नाइट में एक जो है ट्रैवलर वो चल रहा है अपने फेलो ट्रैवलर के साथ में ठीक है और वो कहाँ जा रहे हैं एक फेमस सर्मन को सुनने के लिए जा रहे हैं समन को सुनने के लिए जा रहे हैं और उनके जो पॉकेट है उनकी पॉकेट में क्या रखे हुए हैं कुछ चीजें रखी हुई हैं एंड कंट्री प्लेटफॉर्म और एक गांव के रास्ते जा रहे हैं एक्चुअली कंट्री बोला जाता है गांव को ओके सो यहाँ पे कंट्री प्लेटफॉर्म तो कंट्री गाँव से लेकर जा रहे हैं और वो एक पिग को देखते हैं ये देखिए पिग तो उनको एक पिग दिखाई देता है ऑल right. तो ये पिग है ओके okay. पिग जैसा लग नहीं रहा बट ओके okay. आप अपना ड्राइंग बना सकते हैं हम मुझसे बेहतर ड्राइंग कर सकते हैं तो पिग ओके और डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस लेकिन ये क्या है ये इग्नोरेंस है मतलब इसे पता ही नहीं है इन इन लोगों के बारे में अब देखिए पूरी पिक्चर अगर आप देखेंगे तो ये अभी अभी हमें याद हो गया होगा कि कुछ नाइट से रिलेटेड लिखा था एजी गार्डनर ने और पिग से रिलेटेड लिखा था उन्होंने कुछ फेलो ट्रेवलर थे उनकी जो ये पॉकेट है पॉकेट में उन्होंने कुछ थिंग्स रखी हुई थी पॉकेट थिंग्स उन्होंने कुछ लिखा था ये जो था ये क्या था जो पिक था वो इग्नोरेंस था कंट्री से रिलेटेड भी उन्होंने रखा था ये देखो टबैको अगर आ गया गिविंग अप टबैको। तो जो ये फेलो ट्रेवलर था इसने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है ट्रेव... टबैको पकड़ा हुआ है और वो टबैको क्या करता है इस पिक को देता है लेकिन वो बोलता है मैं नहीं खाऊंगा और ग्रेट गॉड गन और यहाँ पे उन्हें एक गॉड भी दिखते हैं जिनके हाथ में एक गन थी और राइट एंड द लीजेंड ऑफ़ वॉर और वो इनको कहते हैं कि तुम क्या बनोगे लीजेंड ऑफ़ वॉर बनोगे तो इस तरह से पूरी स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी और ये सारे वर्क्स आप लोगों को याद भी हो गए होंगे तो इस तरह से अगर आप आपके पास अगर 42 राइटर्स हैं 42 राइटर्स की इस तरह से एक पिक्चर बना लीजिए अपने माइंड में बाकी भी आप ऐड करते हुए चलेंगे तो पूरी स्टोरी बन जाएगी ठीक है जैसे पिक था तो पिक के बगल में आप आ, कर सकते हैं कि उनके साथ डॉग आया था उससे लड़ने लग गया वो गार्डन में गए on uh, vanished garden, on comic genius and vision and विजन ऑफ ईडन टॉक एंड टॉकर्स ऑन लीजेंड ऑफ वॉर राइट on the American soldier, hmm, तो उन्होंने ऑन द अमेरिकन सोल्जर बताया एपी एंड रिच उनका वर्क है ऑन फी एक्चुअली जो आपका पेबल्स ऑफ द शोर है उसके अंदर ये सारे सारे जो एसेज हैं क्योंकि वो एक कलेक्शन ऑफ वर्क है अब ये मैंने आप लोगों को बताया था इस पी में ओके okay, ये यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पेबल्स ऑफ द शोर जो कलेक्शन है उस कलेक्शन के अंदर कौन कौन से आपके क्या हैं वर्क्स हैं वो आपके ये ये सारे वर्क्स आपके उसके आ, अंदर हैं राइट right? ये सारे कंटेंट हैं उसके अंदर तो आप लोगों को ये याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे ऑल अबाउट द डॉग ऑन द अमेरिकन सोल्जर एपी एंड रिच ऑफ फियर ऑन फियर On being called Thompson on uh, thinking for uh, oneself. Or declete names to uh, For learning purpose on uh, solving wood, variation on an old theme, on cloths, the dual and field, on early rising, on being known, on a map of the Oberland, on talking a bus, on virtue that don't count. अब देखिए यहां पर बहुत सारे वर्क्स हो गए हैं तो एक सिंगल स्टोरी से काम नहीं चलेगा यहाँ पे आपको क्या करना है कि लगभग आपको फाइव टू टेन स्टोरीज अगर आप बना सकते हैं तो बनाइए छोटी छोटी स्टोरी फिर उनको कोरिलेट कीजिए मजा भी आता है और आपको याद भी हो जाएगा ऑन वर्च इज दैट डोंट काउंट ऑन हेट एंड दोल्जर ऑन टेकिंग दल डाइस्रम ऑन अ डॉग तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉग आ गया पिग आ गया तो इस तरह से अगर आप को रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा इस, ऐसी चीज़ें होंगी तो ना उसी के साथ में होंगी किसके साथ में एजी गार्डनर के साथ में ओके ऑन हैप्पी फेसेस ऑफ द स्ट्रेंड ऑन वर्ड मैज़िक वोड इन ग्राउंड ओल्ड ऑन अ स्पाइल इन अ शेविंग ग्लास ऑन द रूल ऑफ रोड ऑन इन डिफ्रेंस ऑफ नेचर

टाइटल अबाउट बीज एंड आई के नॉट डेडिकेट इट टू दैम आई ऑफर इट टू दो लव दम मोस्ट ये उन्होंने लिखा था इस वो के बारे में अगर उसके प्रिफिक्स के बारे में देखेंगे और प्रिफिक्स के बाद में उनके कंटेंट जो उसके अंदर है वो है आपका जैमी जैमिमा ऑन बीइंग आइडल ऑन हैबिट्स ऑन डिफेंस ऑफ वॉस्प ऑन पिलर रॉक टू वॉइस ऑन बींग टाइडी एन एपिसोड

Matches and uh, things on being remembered, on dining, idle thoughts at sea, two drinks of milks, on facts and the truth of great men on swearing on a handsome cap, on manners, on a fine day, on women and tobacco dekha uh, downtown on Keyhole Morals and Fleet Street no more. On waking up, on rereading February days, on an ancient people, on good resolutions. On a Grecian profile, on taking a holiday under the sycamore, on the vanity of old days, on sighting land. Now, next one is pebbles on the shore, on choosing name, on letter writing. On uh, reading in bed, on cats and dogs, on seeing visions, on black sheep, the village, and the war, on rumor, on umbrella morals, on talking to oneself, on Boswell and his miracles, on seeing ourselves, on the English spirit, on falling in love. On a bit of seaweed, on living again to wait to who, on points of view on uh, beer and porcelain, on a case of conscience, on the guinea stump, on the dislike of uh, lawyers, on the cheerfulness and the blind, on taxing vanity. On thought at fifty, one-eyed cat, on the philosophy of hats, on seeing London, on catching the train in praise of chess, on downs, on short legs and long legs, on painted face, on writing an artist's article, on the on a city that was, on pleasant sounds on slackening the bow on the intelligent gol golf ball on a prisoner of war on the world we live in i'm telling you on courage on spent trips on a top hat on losing one's memory on wearing a fur lined coat in praise of walking ऑन रिवॉर्ड्स एंड रिचेस ऑन टेस्ट ऑन हेज नाउ लेट्स टॉक अबाउट हिज कोर्ट एंड दिस आर इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है इसलिए आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए जो वर्क से हैं क्योंकि ईजी गार्डनर से मुझे लगता है कि इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा बट इफ यू फाइंड टाइम टू स्टडी सम ऑफ इज एसे यू कैन गो थ्रू अगर आपको टाइम मिलता है तो आप एसेज भी पढ़ सकते हैं डिटेल में at the at the world i turned hastily to another column and found the news that had stirred him okay second one is and even in the midst of world shaking events is stirred me too for a brief moment i forgot the war and was back in that cheerful world where we used to be happy where we greeted the rising sun with light लाइट हार्ट्स एंड saw इट्स सेटिंग विदाउट fear सो यू कैन सी दैट दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है आपकी ट्वेंटी सेंचुरी को कि जो वर्ल्ड वॉर था उस टाइम को उन्होंने डिस्क्राइब किया है तो उन्होंने कहा कि फॉर अ ब्रीफ मोमेंट थोड़ी देर के लिए मैं वॉर को भूल गया जो युद्ध है उसे भूल गया एंड वॉज बैक इन दैट चेयरफुल वर्ल्ड और फिर मैं उस पीछे वाले चेयरफुल खुशी वाले माहौल में चला गया उस पुरानी दुनिया में चला गया जहाँ हम खुश हुआ करते थे वेर वी ग्रीटेड द राइजिंग सन जहाँ हमने उगते हुए सूरज को ग्रीट किया था विद लाइट हार्ट जहाँ पे हमने बड़े खुश दिल से राइजिंग सन उगते हुए सूरज को ग्रीट किया था एंड सो इट्स सेटिंग विदाउट फियर और जब ये डूबता था तो हमारे अंदर कोई भय नहीं होता था

Uh, हमारा जो एक तरह से हम कह सकते हैं मालिक था किंग था वो पूरा सनसाइन था उन्होंने ये लिखा था ये वर्क ओके एंड फॉर नेचर इज अ कनिंग नर्स ये पीछे भी हमने देखा था तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इस लाइन को आप याद रख लीजिए इम्पोर्टेंट डजन मीन कि यही आएगा राइट right? बट हमें क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हमें लगे कि ये इंपॉर्टेंट है या आ सकती है उनको हमें कलेक्शन करना है अगर हम थाउजेंड कलेक्ट करते हैं तो उनमें से अगर हमारे टेन भी आ जाते हैं तो टेन हमारे ट्वेंटी हो जाते हैं ओके okay, हम कॉन्फिडेंटली उन्हें लिख के आ सकते हैं वहां पे हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो वो चीजें हमें सक्सेस दिलाती हैं शी गिव्स अस लॉलीपॉप्स ऑल द वे एंड व्हेन द लॉलीपॉप ऑफ होप एंड द लॉलीपॉप ऑफ अचीवमेंट आर डन शी जेंटली inserts in इन आर अभी हमने इसको पढ़ा था पहले we ऑफ रिमेमेंट to स्लीप और उसके बाद हम सब आ, कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे ख्याल हैं वो हमें आते हैं लास्ट में ओल्ड एज में तो उन्होंने ये लिखा था आपका वैनिटी ऑफ ओल्ड एज के बारे में लिखा था फॉल्स वाले कलेक्शन में नाइनटीन ट्वेंटी में तो उन्होंने कहा था कि जो ओल्ड एज है वो हमें बहुत अच्छे जो रिमेम्बरेंस देती है टूथलेस जम्स हमें देती है ऑलराइट right? और जो लॉलीपॉप और रिमेम्बरेंस देती है और उसके बाद हम एक शांत और हम सो जाते हैं उसके बाद मीन्स हमारी डेथ हो जाती है इट इज नॉट पॉन्ड्रेबल पॉन्डर मीन्स थिंक होता है या आप अपनी वोकेबलरी के लिए भी याद रख सकते हैं पॉन्डर मीन्स होता है थिंक सोचना दैट it is not ponderable things alone that are found in garden but the great wonder of life the peace of nature the influences of sunsets and seasons and of all the tangible things to which we can give no name not because they are small but because they are outside the compass of our speech in the great legend of the fall, the spiritual disaster of man is symbolized by the exclusion from a garden and the moral tragedy of modern industrialism is only the repetition of that ancient fable man lost his garden garden related alright? ye garden तो आप समझ सकते हैं कि ये अब वेनिस्ट गार्डन से होगा ये आपका एक शॉर्टकट है इस तरह से आप याद रख सकते हैं लीव्स इन द विंड कलेक्शन है उसमें जो ऐसे है उसका नाम है वेनिस्ट गार्डन तो अगर आपको कहीं भी गार्डन नज़र आता है ठीक है देख लीजिए आप यहाँ से देख यहाँ से शुरू करते हैं यहाँ से गार्डन आपको नजर आ गया ठीक है और यहाँ चलते हैं फिर आपको यहाँ पे कुछ गार्डन के बारे में समझ न, गार्डन के बारे में देखने को मिला यहाँ गार्डन के बारे में देखने को मिला ओके okay, फिर आगे चलते हैं ये है आपका गार्डन लीव्स इन द इट नॉट दैट वी कैन नॉट थिंक इट इज दैट वी आर अफ्रेड टू थिंक इट इज सो मच इजियर टू गो विद द टाइड दैन अगेंस्ट इट ओके इट इज वेरी गुड कोटिशन आई थिंक बहुत ही अच्छी है कि इट इज नॉट दैट विथ कैनॉट थिंक ये नहीं है कि हम नहीं सोच सकते बट हम डरते हैं सोचने से गुड यू कैन राइट इट फॉर यूर सेल्फ इट इज सो मच इजियर टू गो विध दैन अगेंस्ट इट टू शाआउट विद द्राउड देन टू स्टैंड लोनली एंड सस्पेक्ट इन दिडिस्ट ऑफ इट उन्होंने कहा कि जो पानी है उसके साथ आप बहना इजी होता है बजाय कि उसके अगेंस्ट जाना और क्राउड uh, के साथ में चिल्लाना बहुत इजी होता है लेकिन अकेले रहकर कोई चीज बात करना उसमें बहुत मुश्किल होती है बहुत ही वाइज uh, आप कोटिशंस ये आप लाइफ के लिए भी आप लोग इन्हें याद कर सकते हैं नॉट इवन पेपर्स इवन सम ऑफ़ अस हु ट्राई टू स्केप दिस हिप्नोटिज्म ऑफ द फ्लॉक भीड़ का जो हिप्नोटिज्म है ओके okay? Do not succeed in thinking independently. जब हम ये हिपनोटिजम ऑफ लॉक जब हम भीड़ के आ, साथ जाते हैं तो और ये हमारा एक शौक बन गया है भीड़ के साथ जाना ये हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं करने देता मीन्स हमारी खुद की सोच नहीं बनाने देता बहुत ही अच्छी कोटेशंस उन्होंने लिखी है ईजी गार्डनर ने वी ओनली सक्सीड इन गेटिंग इन टू अदर फ्लॉग्स और हम सिर्फ बार बार भीड़ में ही जाते हैं अलग अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं फ्रॉम थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ ये उनका कोटिशन है और लिव्स इन देंड ये उनका जो कलेक्शन था उसका नाम था कुछ क्वेश्चन मैंने पिक कर लिए थे ऑनलाइन uh, क्योंकि Uh, मुझे लगा कि ये सारे क्वेश्चंस कुछ आपको हेल्प करेंगे एज गार्डनर को समझने के लिए uh, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ हैबिट्स बाय यू नो ऑन हैबिट्स उन्होंने ऑन हैबिट पे क्या कहा था एज गार्डनर ने तो देखिए ऑन हैबिट बाय गार्डनर वी हैव द थीम ऑफ रूटीन इंडिपेंडेंस एंजाइटी कंट्रोल चेंज एंड जेलिसी टेकन फ्रॉम हिज विंडफॉल कलेक्शन द रीडर्स रियलाइजेज दैट आफ्टर रीडिंग द गार्डनर मे बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ रूटीन तो जो हैबिट है वो उसके बारे में उन्होंने कहा था कि वो रूटीन थीम ऑफ रूटीन के बारे में उन्होंने बात किया था एजी गार्डनर का सीडोनीम क्या था वॉट इज द सूडोनीम ऑफ एजी गार्डनर वी नो दैट इट वॉज़ अल्फा ऑफ द प्लो और अल्फा क्या था और प्लो क्या था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अब लिखिए अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो राइट right, पता तो चले कि कौन कौन देख रहा है ऑथर अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिना 1865 सिक्सटी फाइव नाइनटीन फोर्टी ब्रिटिश जर्नलिस्ट ऑथर एंड एडिटर ये हमने ऑलरेडी देख लिया और उनके जो था वो था आपका अल्फ़ा ऑफ द प्लो लेकिन आपको बताना है कि अल्फ़ा और प्लो ये दोनों चीज़ें कौन कौन सी हैं वट डज एजी गार्डिना मीन बाय द रूल ऑफ द रोड उन्होंने एक अपने ऐसे में रूल ऑफ द रोड के बारे में बात किया था अकॉर्डिंग टू गार्डनर ऑन द रूल ऑफ द रोड मीन्स द लिबर्टीज ऑफ everyone may be बी मेनटेन एंड लिबर्टीज ऑफ एवरीबडी मस्ट बी रिड्यूस्ड उन्होंने कहा कि एवरी वन जो सभी की लिबर्टी है उसके बारे में ज्यादा बात की जाए और जो किसी एक की लिबर्टी है उसे थोड़ा सा कम कर लिया जाए वेन आर रिजनेबल पर्सन एक्शंस अफेक्ट अदर पर्सन लिबर्टी ही वुड हैव सम्मिटेड टू दटेलमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी इन ऑर्डर दैट ही माइट इंजॉय द सोशल ऑर्डर तो किसी कभी कभी हमें अपनी जो उनका कहना है कि जो हमारी प्राइवेट लिबर्टी है उसको हमें थोड़ा कर्टेल कर देना चाहिए कम कर देना चाहिए जिससे कि हमारे सोशल ऑर्डर बना रहे जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि इसको आपको याद रहेगा इससे कि उन्होंने कहा था कि जैसे हम रोड पर चल रहे हैं तो सोशल लिबर्टी अगर मैं अगर कार चला रहा हूं तो मैं एक ऑर्डर में चलाऊ ऐसा ना समझूं कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ अगर मैं बिल्कुल ये समझूं कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ और कार को सड़क पर कहीं भी दौड़ा दू उल्टा सीधा तो सारा जो सोशल ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा तो मुझे अपनी थोड़ी सी लिबर्टी को अगर मैं सोचू कि ओके मुझे इतनी फ्रीडम नहीं लेनी चाहिए तो सारा सोशल जो ऑर्डर है वो बना रहेगा उन्होंने सिविलाइज्ड मैन के बारे में क्या कहा था तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिविलाइज्ड मैन के बारे में हु अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर इज सिविलाइज मैन तो ओके दिस इज इंट्रोडक्शन अगेन ही रोट मैनी मैथड्स ऑफ बिकमिंग अविलाइज मैन उन्होंने सिविलाइज्ड मैन के बारे में काफ़ी सारी चीजें लिखी हैं और उन्होंने कुछ सिविलाइज्ड मैन के बारे में उन्होंने कुछ उनकी सर्टेन क्वालिटीज बताई हैं कि सिविलाइज मैन उनके अकॉर्डिंग कौन हो सकता है वट इज द रियल करेज तो मीन्स आपको याद रखने के सिविलाइज मैन अगर आ जाए हैबिट के बारे में आ जाए या लिबर्टी uh, के बारे में आ जाए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इजी गार्डनर का ही वर्क होना चाहिए वन ऑफ द करेजियस मैन करेजियस मैन कौन है ओके थिंग्स अबाउट अदर्स बिफोर ही थिंग्स अबाउट हिमसेल्फ उनके अकॉर्डिंग जो उनके अनुसार एजी गार्डनर के अकॉर्डिंग एक करेजियस मैन कौन है साहसी आदमी कौन है जो किसी और के बारे में ज़्यादा सोचता हो खुद से ज़्यादा वो किसी और के बारे में सोचता है वन इज वन ही गिव्स दी अदर्स सेकेंड चांस इन देर लाइफ और एक जो करेजियस आदमी होता है एक साहसिक जो आदमी होता है वो ना वो साहसिक आदमी हम उसे कहेंगे कि जो लोगों को सेकेंड uh, चांस देता हो सुधरने के लिए कुछ करने के लिए वेन वन नॉट ओनली जजेज द सिंगल एक्शन ऑफ अ पर्सन बट कंसिडर ऑल अदर एक्शंस और करेजियस मैन ये है कि आ, सिंगल एक्शन को ना कंसिडर करके सारे एक्शन को देखता हो ऐसी गार्डनर का जन्म कब हुआ था सो so, एजी गार्डनर का जन्म हुआ था आपका टू जून सेकेंड जून एटीन सिक्सटी फाइव में वट मेक्स गार्डनर इन इंस्ट्रक्टिव एस ए चार्मिंग टू एक्सप्लेन एंड वट मेक्स गार्डनर्स इंस्ट्रक्टिव स्टोन ये सारे क्वेश्चन उसके साथ में ही मैंने कॉपी uh, कर लिए थे ही चूज द एग्जाम्पल वेरी केयरफुल उनका जो अगर हम बात करें कि ह्यूमरस उनका अगर uh, कोई भी ऐसे बनता है तो क्यों बनता है तो उन्होंने जो एग्जाम्पल हैं उनके लाइफ के जो उनके वर्क के वो बहुत ही केयरफुली वो एग्जाम्पल चूज करते हैं सिचुएशन दैट ही मैंशन आर इजी टू इमेजन और देखिए आपने देखा होगा कि जब भी उन्होंने हैबिट के बारे में बात की या रूटीन के बारे में या करेज के बारे में तो वो इस तरह से एग्जाम्पल्स देते हैं जिनको हम इजीली इमेजिन कर पाते हैं हिज़ नैरेटिव इज़ इजी समटाइम्स साकेस्टिक नैरेटिव उनका इजी है और साकेस्टिक है साकेस्टिक मीन्स यूमरस जहाँ पर हम मजाक बनाते हैं चीज़ों का आ, तो ये आपकी वोकेबलरी में भी काम आएगा दो चार वर्ड मैं इसलिए बता देता हूँ कि साथ साथ वकेबलरीरी भी चलती रहे बट ही इज एबल टू मेक हिज पॉइंट्स क्लियर वाइल एट द सेम टाइम कीपिंग द रीडर्स इंगेज हाउ डज गार्डना इलिस्ट्रेट द आर्ग्यूमेंट्स दैट इंडिविजुअल लिबर्टी कैन टर्न इन टू सोशल अनारकी और जैसा अभी हमने बात की थी जैसे मैंने आपको बताया था कि कार का एग्जाम्पल देखे कि उन्होंने कहा था कि जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो अगर हम उसको ज्यादा बनाएंगे तो सोशल अनारकी में चेंज हो जाएगा गार्डना इलिस्ट्रेट द आर्ग्यूमेंट दैट इंडिविजुअल लिबर्टी कैन ईजिली

सिचुएशन दैट कैन बी अपलाइड इन द रियल वर्ल्ड ही गेव द एग्जाम्पल ऑफ एन ओल्ड लेडी वॉक विद हर बास्केट डाउन द मिडिल ऑफ स्ट्रीट टू दी ग्रेट कन्फ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक तो उन्होंने जो यहाँ पे सोशल अनारकी के लिए एक एग्जाम्पल दिया था वो दिया था एक ओल्ड लेडी है जो अपनी बास्केट के साथ में रोड पर चली जाती है और मिडिल ऑफ द स्ट्रीट क्योंकि वो ओल्ड है इसलिए वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देती है ट्रैफिक में तो इसी के साथ हमने लाइफ ऑफ यू नो एजी गार्डनर देख लिया है कुछ कोटेशंस देखे हैं जो वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं होपफुली आपने ये नोट कर लिया होगा और गुलक फॉर योर एग्जाम्स ऑल द बेस्ट सी यू नेक्स्ट वीडियो